नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जेम्स फॉकनर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि अपनी फ्रेंचाइज PSL का 7वां संस्करण चला रही है, उसमें ऐसी खबरें आ रही है कि जेम्स फॉकनर ने अपने होटल में मारपीट की है, वो PCB ऑफिशियल्स के साथ और होटल स्टाफ के साथ। दरअसल बात करते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। दरअसल भारत में जहाँ एक और खिलाड़ी हर साल IPL के थ्रू करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिस तरह से IPL में खिलाड़ियों का ऑक्शन किया जाता है, उसी तरह से PSL में खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऐड किया जाता है, तो खिलाड़ियों की जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होती है वो उनको पे कर दी जाती है। अभी जेम्स फॉकनर ने PCB पर बड़ा आरोप ये लगाया है कि उन्होंने अभी तक जेम्स फॉकनर की जो पेमेंट है जो PSL 7 के लिए, वो अभी तक नहीं किया है। उन्होंने एक के बाद एक दो ट्वीट करते हुए PCB पर बड़े आरोप लगाए और पेमेंट नहीं करने का उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। जैसे ही ये ट्वीट सामने आए, क्रिकेट जगत में बड़ी खलबली मच गई। उन्होंने एक के बाद एक दो ट्वीट किए। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट से अपोलोजाइज करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने लास्ट दो मैच है वो नहीं खेल पाऊँगा, बिकॉज जो PCB है उन्होंने मेरा जो पेमेंट का एग्रीमेंट है वो फुलफिल नहीं किया है। वहीं वो अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापसी करे, क्योंकि वहाँ पर बहुत यंग और अमेजिंग टैलेंट है, लेकिन जो हमें ट्रीटमेंट PCB से मिला है वो काफ़ी डिसग्रेसफुल है। वहीं PCB ने भी जेम्स फॉकनर के आरोपों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें आगे नहीं, कभी भी PSL में ड्राफ्ट नहीं करने का फैसला भी किया है। PCB ने अपने मीडिया स्टेटमेंट में लिखा है कि जेम्स फॉकनर के जो बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, बेसलेस जो एलिगेशन है, उनको पूरी तरह से उन्होंने खंडन किया है। PCB अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें लिखती है कि उनकी जो पेमेंट है वो उनके ऑफशोर अकाउंट, जो कि UK का अकाउंट है, उसमें करने को कहा गया था, और उनकी जो 70% जो पेमेंट है वो ऑलरेडी की जा चुकी है। जो रिमेनिंग 30% है वो PSL का जो कंप्लीट सेशन हो जाएगा उसके 40 डेज के जो ड्यूरिंग होगा उसी के दरमियान कर दिया जाएगा। वहीं पे जेम्स वॉकनर का ये कहना है कि वो उनको पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। हालांकि PCB ने आगे ये भी जानकारी दी है कि जेम्स वॉकनर ने जो इमिग्रेशन स्टाफ है उनके साथ भी मारपीट की है और आगे उन्हें कभी भी PSL में ड्राफ्ट नहीं करने का भी घोषणा की है। वहीं पे क्रिकेट जगत में जो दिग्गज हैं उनकी कड़ी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर है, वो लिखते हैं, मैं जेम्स फॉकनर के रवैये से काफ़ी नाराज़ हूँ। हमें पाकिस्तानी क्रिकेट द्वारा पूरा रिस्पेक्ट दिया जाता है और किसी का भी पेमेंट डिले नहीं होता है। नो वन शुड बी अलाउड टू टेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान गुडविल। वहीं पूर्व तेज़ गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी अपने YouTube वीडियो में काफ़ी तीखी आलोचना की है जेम्स फॉकनर के रवैये की। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।